मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, काश तुम आंखों की भाषा समझ लेती। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, दिल में जो बात थी वो जुबान पे आती थी, लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले ही कहीं कहीं खो सी जाती थी। क्या वो प्यार था? आंखों से आंखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई, और वो मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि शुभम, लड़की का हाथ हमेशा इस तरह से हाथ में पकड़ते, और मैं पगला मन ही मन में मुस्कुरा कर कह गया कि मैं तुम्हारा यह हाथ जिंदगी भर पकड़ के रखना चाहता हूँ। क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना फिजूल सा लगता था, और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजर रान सा लगता था। तब से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई, हम साथ में ही मुस्कुराते थे, बस फर्क इतना होता था तुम खुशी से मुस्कुराती थी और मैं तुम्हें देख के मुस्कुराता था। क्या वो प्यार था? इन आंखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन ओठों को तुम्हारी इबादत सी हो गई थी, एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या करूं, पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आग तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलन हो। क्या वो प्यार था? तुम्हारे फोन पे रिचार्ज मैं करता था और घंटों तक तुम किसी और से बातें करती थी, तुम प्यार से किसी और का हाथ पकड़ती थी और यह गुदगुदी मेरे हाथों में होती थी, तुम किसी और को गले लगाती थी और यह धड़कने मेरी तेज हो जाती थी। क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था, तुम किसी और के कंधे पर सर रखकर रोती थी और यह तकलीफ मेरे दिल को होती थी। क्या वो प्यार था? न जाने वो क्या था, प्यार था या कुछ और था, लेकिन जो तुमसे था वो किसी और से नहीं था। दोस्तों उसने मुझसे कहा था कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है, और कुछ महीने बाद वो किसी और के साथ अपने मोहब्बत का महल सजा रही थी। साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे हमारा अंदाज़े ज़िंदगी, राब्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं।